नमस्कार दोस्तों, जब से यहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान पे, वहाँ के क्रिकेट पे लगातार बातचीत हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि क्या अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई भविष्य है या नहीं है, इस पर लगातार क्रिकेट के गलियारों में चर्चा हो रही थी। और उसी पर दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दूँ कि वहाँ की जो महिला क्रिकेट टीम थी उनको मना कर दिया गया है तालिबान गवर्नमेंट द्वारा कि अब वो अफगानिस्तान के तरफ से कभी भी क्रिकेट खेलती हुई नहीं नजर आएंगे। तो इस पर दोस्तों आईसीसी ने कड़ी शब्दों में निंदा की है और उन्होंने ये चेतावनी दिया है कि अगर ऐसा होगा तो पुरुषों की क्रिकेट भी यहाँ पे आईसीसी द्वारा बैन कर दिया जाएगा। कुछ समय पहले आपको याद होगा नेपाल के साथ भी यही हुआ था, उनका क्रिकेटिंग बोर्ड सस्पेंड कर दिया गया था, और अफगानिस्तान के साथ भी शायद अब यही हो सकता है। क्योंकि अब आपको बता दो दोस्तों कि महिलाओं के साथ उन्होंने बिल्कुल क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि पुरुषों का क्रिकेट लगातार चलता रहेगा लेकिन महिलाओं का क्रिकेट अब हम आगे नहीं बढ़ा सकते और उनको यहाँ पे खेलने का इजाज़त नहीं देंगे। तो इस पर एक बड़ी जो अपडेट आ रही है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अफगानिस्तान की एक टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, बहुत बड़ा और ऐतिहासिक टेस्ट मैच होने वाला था अफगानिस्तान के नज़रिए से, होबार्ट में ये खेला जाता टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दिया है कि हम अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और जो होबार्ट में खेला जा रहा था यहाँ पे टेस्ट मैच, जो एक टेस्ट मैच खेला जाना था, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने मना कर दिया है खेलने से। और उनका ये कहना है कि अगर तालिबान गवर्नमेंट की यही रवैया रहा, यही नज़रिया रहा महिलाओं के प्रति और क्रिकेट के प्रति, तो हम आने वाले टाइम में आईसीसी से ये अपील करेंगे कि अफगानिस्तान का क्रिकेटिंग बोर्ड ही सस्पेंड कर दिया जाए। तो एक जो अपडेट आ रही है दोस्तों, दो मुख्य खबर है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के तालिबान गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसला किया है कि महिला क्रिकेट वो नहीं खिलाएंगे और महिलाओं को यहाँ पे क्रिकेट खेलने की अनुमति नहीं होगी। और दूसरी ये है दोस्तों कि जो होबार्ट में एक टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के नज़रिए से बहुत बड़ा टेस्ट मैच होने वाला था, अब ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से मना कर दिया है और अब वो टेस्ट मैच नहीं होगा।